हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फॉर आनंद टेक्निकल सपोर्ट। और आज जो मैं बताने वाले अपने वीडियो में वो पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर मोबाइल में आपका पैटर्न लॉक हो जाए किसी कारण पर, तो आप भूल चुके हो कि उस पैटर्न का पासवर्ड क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर मोबाइल से अपना पैटर्न हटाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट तरीका है कि 2-3 बार आप ट्राई करो अपने मोबाइल में कि आपका पैटर्न जो लॉक हुआ है वो, उसके लिए कोई दो सेकेंड ऑप्शन हो जो आपने दे रखा है। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, इमरजेंसी कॉल, फॉरगेट पैटर्न। फॉरगेट पैटर्न पर क्लिक कर दीजिए, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर सेट कर रखे हो तो अपना ईमेल आईडी डालो और फिर वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। या बैकअप पिन कोई है तो आप पिन टाइप कर सकते हो, ट्राई अगेन 40 सेकेंड के बाद अगर बैकअप पिन है तो पिन डाल के आप पैटर्न चेंज कर सकते हो और फिर उसके बाद फिर मोबाइल के ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब भूल चुके हो, ईमेल आईडी आपने डाल नहीं रखा है या फिर बैकअप पिन भी आपको याद नहीं है, पैटर्न भी भूल चुके हो, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो कुछ आप पता है जिन्हें वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ नए लोग हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन कम यूज किए हैं, स्टूडेंट हैं, इनिशियल पीरियड में हैं, तो आई थिंक उनको प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे सिचुएशन में कि वो कैसे बैकअप जो पैटर्न है उसको हटाएंगे। तो मैं आज वो बताने वाला हूँ। उससे पहले कि अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको उसके पास में एक बेल बटन होगा, उस वही क्लिक करके नोटिफिकेशन इनेबल कर दो। सो अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और सो हम स्टार्ट करते हैं कैसे हटाना है। तो मैं इसमें बताऊँगा कि एक तरीका है, ये आपका जो मोबाइल है वो सैमसंग का है, तो वो सैमसंग सिस्टम का एक, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि मोबाइल को शट डाउन करना और उसे रिकवरी मोड में ऑन करना है। तो रिकवरी मोड होता क्या है कि आपका जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पार्टीशन होता है और इंस्टॉल्ड होता है वो डिफरेंट पार्ट में, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक सेपरेट पार्टीशन होता है और इस तरीके से कैचिंग मेमोरी फॉर्म होता है जो आप वीडियोस डाउनलोड या इमेजेस अपलोड करते हो तो इस तरह की कैचिंग मेमोरी फॉर्म होता है। तो अगर आप उसको जो रिकवरी है रिकवरी मोड में अगर आप ऑफ करके ऑन करते हो तो आपका एक फैक्ट्री रिसेट करने का आता है, तो वो ऑप्शन मैं दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले हर मोबाइल का अलग अलग होता है, अगर आप सैमसंग यूज कर रहे हो तो सैमसंग का जो 3 बटन क्लिक करके हम उसे रिकवरी मोड में ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है तो आप गूगल में जाओ, सर्च मारो आपका जो भी मोबाइल है उस नेम से कि रिकवरी मोड का जो की है वो कौन सा है। जैसे अभी सैमसंग का मैं बताऊं तो अगर सैमसंग में आप ये जो साउंड का अप बटन प्लस मीनू एंड प्लस से ये पावर ऑफ बटन जो है एक क्लिक एक साथ हम करेंगे तो जाके रिकवरी मोड में ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी जो अदर जो वो मोबाइल है तो उसका आप गूगल में जाकर सर्च कर लो कि रिकवरी मोड में हम ऑन करने का कौन सा कीवर्ड है, तो उस तरीके से आप देख के आप उसे कीवर्ड को ऑन कर सकते हो। तो मैं भी इसमें दिखाने वाला, सबसे पहले अगर आपको रिकवरी मोड में ऑन करना है तो सबसे पहले आपको मोबाइल को शट डाउन करना होगा, या तो मोबाइल से बैटरी निकाल लो या फिर इसको डायरेक्टली शट डाउन कर दो। तो मैं अभी इसको डायरेक्टली शट डाउन करूँगा, पावर ऑफ करूँगा, ये पावर ऑफ होने का। ये पावर ऑफ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो जो वॉइस का है, वॉइस इंक्रीज करने का जो अप बटन है उसको क्लिक करूँगा, मेन्यू बटन को क्लिक करूँगा और पावर बटन को क्लिक करूँगा और ऑन करूँगा। फर्स्ट मैंने इसके अप बटन जो इंक्रीज का अप बटन उसको क्लिक किया, फिर मेन्यू बटन को क्लिक किया ही और सॉरी अभी ये रिकवरी मोड में ऑन होगा, आप यहाँ देख सकते हो पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, देखो रो रिबूट सिस्टम नाउ अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट वाइप कैची पार्टीशंस अप्लाई अपडेट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये सारे ऑप्शन हैं जिसका यूटिलाइज है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर कुछ पार्टीशन कैची पार्टीशन करना चाहते हो या
कुछ अपडेट उसका कैची मेमोरी जो है उसको अपडेट करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसमें से आप एक ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इस पे फैक्ट्री रीसेट करोगे तो ये आपका मोबाइल जो है, मोबाइल का जो सारा डाटा है वो जो मोबाइल का जो मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में न्यू जैसे मोबाइल परचेज करते हैं उस सिचुएशन में जाएगा, मतलब आपके मोबाइल में जो भी डाटा है वो उड़ जाएगा सारा। इसलिए ये इसमें थोड़ा सा जब आपका पैटर्न लॉक हो जाता है किसी कारणवश तो थोड़ा सा ये आपका जो बैकअप डाटा है वो सारा उड़ जाएगा और डिलीट हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जब ऑन होगा तो एकदम फ्रेश आपका मोबाइल होगा, जैसे आप जिस फर्स्ट टाइम पे आप जब परचेज किए थे उस टाइप का मोबाइल आपका दिखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि वॉल्यूम डाउन जो बटन है उसको क्लिक करके ये यहाँ जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। इसके बाद फिर आप इस पर क्लिक करोगे, मेन्यू बटन को क्लिक करोगे तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा और जितने भी आपके मोबाइल का जो भी आपने सेटिंग कर रखा है वो सारा सेटिंग उड़ जाएगा और फिर से एक फ्रेश आपका मोबाइल ऑन होगा। तो ये सबसे एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है इसके लिए कि क्योंकि जब आपका डाटा उड़ जाता है या फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो इस टाइप का थोड़ा सा होता है इसमें। और तो हम अभी हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ये जो मेन्यू बटन है उस पर क्लिक करना है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है ये फैक्ट्री रीसेट आप करने जा रहे हो और इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपका जो भी डाटा है सारा उड़ जाएगा, आपका मोबाइल फ्रेश होगा। और इसी चीज़ के लिए अगर आप जाते हो कस्टमर केयर के पास आपका पैटर्न लॉक हो जाता है तो उसके लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं, या मोबाइल रिपेयर में जाते हो कुछ चार्जेस वो लोग लेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आप विदाउट एनी चार्जेस आप घर में कर सकते हो इसे। सो मैं अभी करने वाला हूँ, फैक्ट्री रीसेट करने वाला हूँ और इस मोबाइल का जो भी डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऑप्शन नो नो करके आ रहा है, लेकिन आपको वहां जाना है यस पर जाना, डिलीट ऑल यूजर डाटा। डिलीट ऑल यूजर डाटा में जाएंगे तो जितना भी आपका डिटेल्स है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये इसका थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है जो बोल सकते हैं, तो हम इसको भी डिलीट करने वाले हैं। और मैं क्लिक करूँगा ये जो पावर बटन है उसको क्लिक करो, अभी कुछ टाइम लेगा और आप यहाँ पे देखोगे एक लाइन चल रहा है वो इरेजिंग कर रहा है, जो भी डाटा है वो सबको इरेज कर रहा है, फ्रेश आपका बिल्ड बनेगा, आपका मोबाइल एकदम फ्रेश जैसे आप फैक्ट्री से फर्स्ट टाइम पर जैसे मोबाइल आता है जिस जैसा होता है उसी तरीके से ये सिचुएशन में आ जाएगा। अब कुछ देर चलने के बाद ये मोबाइल ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा और अगेन वो ओपन होगा। सो कुछ टाइम लगेंगे इसमें। आ रहा है रिबूट सिस्टम नाउ, सो हम रिबूट सिस्टम नाउ पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम पे जब ये फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जब ये ऑन होता है थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फिर आपका ये जो मोबाइल है ना फ्रेश दिखेगा। जब फर्स्ट टाइम आया था तो स्पीड अप भी होंगे, तो एक तरह से सही है, काफ़ी टाइम हो गया था इस मोबाइल का मैंने यूज कर लिया आप लोगों के लिए। देखते हैं अभी, और इस तरीके से आप कर सकते हो। और भी आपके पास जो कोई दूसरा सिस्टम है, दूसरा मोबाइल है, तो उस मोबाइल का आप ये दे सकते हो। नेक्सस अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या है कि अभी ये जो वॉल्यूम का जो डाउन बटन, मेनू बटन, पावर बटन यूज़ करना होता है, इसमें वॉल्यूम अप एंड मेनू एंड पावर बटन यूज़ करना होता है। इस तरीके से डिफरेंट मशीन, डिफरेंट मोबाइल का डिफरेंट की होता है। आप गूगल में सर्च कर लो कि कौन सा रिकवरी मोड के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है, और उसको यूज करके आप अगर जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सैमसंग का तो जो ये था, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
ये ओपन हो चुका है। इंग्लिश एक्सेसिबिलिटी सिलेक्ट लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट स्टार्ट पे जाते हैं। वाईफाई सेटिंग वाईफाई नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड एग्री एकदम फ्री इसमें आपका मोबाइल जब फर्स्ट टाइम जिस तरीके से आपने ऑन किया था ये एग्री टू प्रोवाइड द सैमसंग एयर लॉन्ग डाटा ओके नेक्स्ट डू यू हैव द गूगल अकाउंट इफ़ यू हैव द जीमेल या गूगल अकाउंट से देन यस आप ओके सिक्योर बाबा ओके नो एक्चुअली राइट नाउ आई कांट यूज द गूगल अकाउंट नेवर लूज योर स्टफ अगेन गूगल अकाउंट कीप एवरीथिंग सेफ ओके नॉट नाउ एंड नेक्स्ट करो आप इसको आप यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं अपना डाल रहा हूँ एंड सिम वन इज द आइडिया ओके एंड ये मोबाइल जो है ना फ्रेश है सारा चीज़ डिलीट हो चुका है और थोड़ा सा इसका स्पीड अप भी थोड़ा सा फास्ट मुझे दिख रहा है कि यही काफ़ी टाइम हो गए थे। चलो मैंने इसे रिसेट कर दिया अभी मैं ये गैलरी में देखता हूँ तो सारे इमेजेस डिलीट हो चुके हैं कुछ भी अभी इसमें बचा नहीं है तो कुछ अभी इसमें इंस्टॉल करना हुआ तो फिर से अगेन इसमें सारी चीज़ें अपलोड करने होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कोई क्यूरी हो आपका आप कमेंट कर सकते हो और अगर वीडियोस पसंद आए हो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर भी अगर आप पता हो पहले से तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लुकिंग माई वीडियो एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक केयर गुड नाइट।